Mais avant tout, fais bouger la tête. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेटर सुपर किंग के चैनल पर और मैं एक और मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीएल 2020 के सेकंड मैच के बारे में, दिल्ली कैपिटल और किंग्स इलेवन पंजाब के मैच समरी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग भी आईपीएल के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं हम लोग को, लाइक बटन दबाकर। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो तो शुरू करते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो दोस्तों टीम इस प्रकार है, दिल्ली कैपिटल का टीम है, कैप्टन श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, सैमरन हिटमायर, एस्ट्राइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, फर्गिसो रबाडा, नॉट जे और मोहित शर्मा। तो चलिए जान लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब का प्लेइंग इलेवन। किंग्स इलेवन पंजाब का प्लेइंग इलेवन है, केएल राहुल कैप्टन, मयंक अग्रवाल, तरुण नायर, मैक्सवेल, सरफराज, पूरन, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, सेल्डन कॉट्रेस, क्रिस जॉर्डन। तो दोस्तों शिखर धवन और पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी करने आए। तो दोस्तों शिखर धवन दूसरे ही ओवर में रन आउट हो गए केएल राहुल द्वारा। शिखर धवन बिना थारा खोले आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों पृथ्वी शॉ और सिमरन हेटमायर तो भी मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया है। पृथ्वी शॉ ने 5 रन बनाया है और सैमरन हेटमायर ने 7 रन। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने थोड़ी सी साझेदारी की, इस साझेदारी को रवि बिश्नोई ने तोड़ा। ऋषभ पंत 31 रन बनाए और श्रेयस अय्यर को मोहम्मद शमी ने आउट किया जो 39 रन बनाए थे 32 गेंद में। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल का विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और आर अश्विन भी सेल्डर कॉटवेल का शिकार हो गए जो 4 रन पर खेल रहे थे 6 गेंद पर। फिर अक्षर पटेल भी आउट हो गए, 6 रन बनाए 9 गेंद में। फिर दोस्तों लास्ट दो ओवर में एस्ट्राइनिस ने 2 ओवर में 44 रन जोड़ा और एस्ट्राइनिस ने अपना इस सीजन का पहला 50 रन जड़ दिया और दिल्ली कैपिटल को एक अच्छे स्कोर तो नहीं कर सकते पर एक डिफेंडेबल टोटल तक ले गया। दिल्ली कैपिटल का स्कोर था 157 पर 8 इन 20 ओवर। उनके टॉप स्कोरर थे एस्ट्राइनिस 53 रन 21 गेंद में, फिर श्रेयस अय्यर थे 39 इन 32 गेंद और ऋषभ पंत 31 इन 29। किंग्स इलेवन पंजाब के तरफ से बेस्ट बॉलर रहे मोहम्मद शमी 4 ओवर में 15 रन 3 विकेट और सेल्डर कॉटरेल 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। तो दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब को 158 रन जीतने के लिए चाहिए था। तो दोस्तों केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने आए। तो दोस्तों एक छोटा सा दोनों के बीच साझेदारी हुई जिसमें केएल राहुल ने 21 रन बनाया 19 गेंदों में और मयंक अग्रवाल एक छोर से संभाल कर बैटिंग कर रहे थे तो दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। तो दूसरे छोर पर तरुण नायर ने 1 रन बनाया 3 गेंद में,
निकलस पुड़न ने 0 रन बिना खाता खोले ही चले गए। 3 गेंद खेला, फिर मैथ्स बेल 1 रन 4 गेंद में, फिर सरफराज खान 12 गेंद में 12 रन, कृष्णप्पा गौतम 20 रन 14 गेंद में, फिर क्रिस जॉर्डन ने 5 रन 6 गेंद में। तो दूसरे छोर से मयंक अग्रवाल रन बनाते जा रहे थे, उन्होंने 60 गेंद में 89 रन बना दिया था। और 20 ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब ने भी 157 रन लॉस ऑफ 8 विकेट बना लिया था। तो इस तरह स्कोर तो टाई हो गया। तो दोस्तों मैच गया सुपर ओवर में। दोस्तों सुपर ओवर से पहले मैं बता देता हूँ दिल्ली कैपिटल का बॉलिंग में किसने अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली कैपिटल की ओर से आर अश्विन ने 1 ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिया। स्टॉइनिस ने 3 ओवर में 29 रन 2 विकेट लिया। फिर अक्षर पटेल तो 1 विकेट मिला, खगीसो रबाडा को 2, मोहित शर्मा को 8। तो दोस्तों अब सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब ने 11 रन नहीं बना पाए, बस 2 रन बना पाए। और जो सुपर ओवर का वो होता है 2 विकेट ही यूज कर सकते हैं, वो दोनों आउट हो गया था किंग्स इलेवन पंजाब का। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल तो जीत के लिए 3 रन चाहिए था जो ऋषभ पंत ने बना दिया। तो इस तरह दिल्ली कैपिटल ने अपना आईपीएल 2020 का शुरुआत जीत के साथ किया है। तो दोस्तों दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे मार्कस स्टॉइनिस, जिन्होंने 53 रन बनाए 21 गेंद में। और दोस्तों 2 महत्वपूर्ण विकेट लिया और दिल्ली कैपिटल को जीत दिलाई। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों कल आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के बीच में 3रा मैच है, तो बताइए कमेंट में कौन सा ऐसा टीम है जो ये मैच जीतेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।